हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज हम एक्चुअल फिजिकल बोर्ड ले रहे हैं जिससे हम इमेजिनेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पोजीशन व्हाइट टू प्ले आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर आंसर से कंपेयर करें। तो सबसे पहले व्हाइट ने देखा कि G7 का स्क्वायर वीक है और उसका डिफेंडर B2 का बिशप है, तो वो रुक टेक्स B2 का सोचता है ताकि रुक टेक्स B2 फोर्स उसको क्वीन D4, उससे रुक अटैक और G7 पर मेटिंग थ्रेट होगा। ये बचाने के लिए एक ही मूव है क्वीन E5। काफी लोग यहां तक ही कैलकुलेशन करके छोड़ देते हैं, पर उससे आगे देखेंगे तो पता चलेगा, देखिए जो क्वीन है E5 का वो इस मेट का डिफेंडर है और क्वीन रुक का भी इनडायरेक्टली डिफेंडर है और E8 रुक का भी डिफेंडर है। तो व्हाइट ने देखा कि बैक रैंक वीकनेस भी है और ये जो क्वीन है पिन में है, तो उसने इस क्वीन पे अटैक किया रुक E1 करके। चलिए करके देखते हैं। रुक टेक्स बी टू फोर्स्ड, क्वीन D4 डबल अटैक हो गया, क्वीन E5 ब्लैक ने फोर्स मूव से दोनों चीज बचाया। अब रुक E1, यहां पे ब्लैक के पास एक ही मूव है रुक B5। अगर क्वीन टेक्स क्वीन करें तो रुक टेक्स E8 चेकमेट है, तो ब्लैक ने रुक B5 करना चाहिए था, पर यहाँ पे भी व्हाइट के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है सीधा F4, क्वीन पर अटैक, क्वीन चेक दे क्वीन D5, तो क्वीन टेक्स D5 रुक D5 और E8 चेकमेट, क्वीन टेक्स E1 को भी क्वीन G7 चेकमेट, यानी कि अगले मूव पॉन के लिए जो है क्वीन फ्री चली जाएगी और व्हाइट का विनिंग हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर। तो अब चलते हैं सेकंड पोजीशन पर। यह पोजीशन भी व्हाइट टू प्ले एंड विन है। देखने से ही पता चल रहा है ब्लैक का A6 का रूप मिसप्लेस्ड है और किंग साइड थोड़ा सा वीक है। अगर हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए G6 का स्क्वायर वीक है और किंग थोड़ा सा ओपन है, तो यहाँ पे क्या पॉइंट ध्यान में आना चाहिए कि G6 का स्क्वायर व्हाइट में है, A6 का रूप हैंगिंग है व्हाइट स्क्वायर पे, तो यहाँ पे व्हाइट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव ढूंढा। देखिए बिशप F7 में देखने से लग रहा है D2 का रूक हैंगिंग है, लेकिन G6 के वीकनेस पर अटैक हो गया और अब यहाँ पे तीन वेरिएशंस बनते हैं, Bf7 को King F7, Bf7 को Queen F7 और Bf7 को Rd2। तीनों ही वेरिएशंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं Bf7 को, अगर रूक टेक्स D2 क्योंकि रूक फ्री जा रहा है तो इसको देखना सबसे जरूरी है। तो देखिए आता है Queen G6 चेक, King F8, Queen G8 चेक, Ke7, Queen E8 चेक, King D6, उसको Queen E6 चेकमेट। इस तरह से इमेजिन करने की कोशिश करना चाहिए। अब हम पूछ करके देखते हैं Qg6 चेक, King F8, King H8 को Queen G8 डायरेक्ट चेकमेट था, Queen G8 चेक, Ke7, Queen E8 चेक, Kd6 और देखिए Queen E6 चेकमेट। अब चलते हैं नेक्स्ट मेन वेरिएशन पर। Queen takes F7 किया तो काफी इजी है, सिंपली रुक टेक्स रुक फ्री चला जाएगा क्योंकि अब बिशप पिन हो गया है, रुक टेक्स क्वीन में क्वीन चली जाएगी और आगे चल के Qb7 चेक में ये रुक भी चला जाएगा। फॉर एग्जांपल Bd8, Rf7 चेक, King F7, Qb7 चेक में रुक चला जाएगा। तो शायद ब्लैक का बेस्ट ट्राई King takes F7 है, उसको देखिए Rf8, अब बिशप पिन में तो Qd8 फोर्स्ड और अब Qb7 चेक, Qe7, उसको Qtx A6 और उसका किंग पोजीशन भी ब्लैक किंग से बेटर है और एक्टिविटी भी ज्यादा है, यानी कि व्हाइट का पोजीशन विनिंग है। तो इस तरह से वीकनेस को देखते हुए और डिफेंडर को स्पॉट करते हुए हम पोजीशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस बोर्ड पे किया हुआ पोजीशन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।